वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल सनस्क्रीन का रिव्यू, जो कि टीनेजर भी बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी नई व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज का टारगेट है 20 लाइक्स। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये प्रोडक्ट मैंने खुद इस्तेमाल किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अयूर स्क्रीन, जिसमें है प्रोटेक्शन के साथ साथ फेयरनेस का भी दावा। तो दोस्तों, ये पीएच बैलेंस प्रोडक्ट है, एंड इसके नेट कंटेंट की बात की जाए तो वो है 100 ml, एमआरपी है 90 रुपीज़, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 3 साल, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूजेस की बात की जाए तो इसे हमें अपने फेस पे, नेक पे एंड एक्सपोजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पे इस्तेमाल करना है। आपको इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमें सन के जो एक्सपोजर है उससे प्रोटेक्ट करता है। अगर बात करूँ मैं खुद के एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट मैं पिछले 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि मैं इसका अच्छे से रिव्यू कर सकूँ। ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से अब्जॉर्व नहीं होता, मेरी स्किन टाइप है कम्बिनेशन, तो इस पे लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। ये बेसिकली ड्राई स्किन एंड वेरी ड्राई स्किन के लिए है, क्योंकि उनको मॉइस्चराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसमें है विटामिन ई, जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और सॉफ्टर बनाता है। तो कुल मिला के जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये उनके स्किन पे अच्छे से वर्क नहीं करता, इजिली एब्जॉर्व नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है तो भी मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि स्वेट होने के दौरान ये प्रोडक्ट बहुत ही इजिली वॉश ऑफ हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसमें है एक्वा इमल्सिफायर वैक्स, एंड साथ ही साथ इसमें मिथाइल पैराबीन का भी इस्तेमाल किया गया है, कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो जिन लोगों को पैराबीन प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते वो इसको परचेज ना करें। पैकेजिंग की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है, एंड ये ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आप इसको इजिली पर्स में कैरी कर सकती हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्मॉल बिग पैक दोनों में अवेलेबल है, आप इसको मार्केट से परचेज कर सकती हैं। अब मैं इसको अपने हाथ पे लगा कर दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल वाइट कलर का लोशन है, एंड आप जब इसको लगाते हैं तो ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता, एक हल्की सी वाइटिश कास्ट आती है इसको इस्तेमाल करने पर, अगर आपकी कम्बिनेशन स्किन है तब। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बहुत ही इजिली आपके स्किन पे वर्क करता है। अब आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली मिल चुका है मेरे स्किन पे। एंड दोस्तों, अगर बात की जाए इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं कम से कम इसको 20 मिनट पहले आप अपने स्किन पर लगा लीजिए, अपने फेस पर, नेक पे एंड पैर पे। तो कुल मिला के अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।